हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेस्ट के अड्डे पे। तो देखिए, आज बनाने जा रहे हैं कुरकुरे। तो ये कुरकुरे बहुत ही अच्छे बने। जैसे मार्केट से कुरकुरे लेके आते हैं, वैसे ही आप कुरकुरे घर पे बना के तैयारी कर सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए सबसे क्या पहले आपको क्या करना है कि चावल का आटा, तो कोई भी चावल का आटा आप ले सकते हैं, जैसे मार्केट से लेके आइए। आप घर पर चावल को धो के और सुखा के फिर आप पीस के ये आटा तैयारी कर सकते हैं। तो मेरे पास देखिए घर का आटा ये है। जैसे घर पर चावल को धो के पीस लिया, ये आटा तैयारी कर लिया। तो एक कप चावल का आटा लिए, इसके अंदर डाल देती हूँ 2 चम्मच बेसन। तो बेसन के जैसे बेसन डालते हो, बेसन से बहुत ही अच्छी और बहुत ही कुरकुरी जैसे बनता है कुरकुरा। तो आप 2 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दीजिए और बेसन और चावल का आटा इसके अंदर डाल देती हूँ पैन के अंदर। तो ये दो तरीका, एक तो आप जैसे पहले पानी डाल के और पानी को बॉईल कर लीजिए और फिर इसके अंदर डाल दीजिए, और या आप जैसे मैं बना रही हूँ उस हिसाब से भी आप बना सकते हैं। अब डाल दिए इसके अंदर 1/2 टीस्पून नमक, नमक स्वाद के हिसाब से डालिए। अब इसके अंदर पानी डाल देती हूँ। तो पानी टोटल देखे मैंने 2 कप पानी डाला है। तो पहले 1 कप पानी डाल के और इसको मिक्स कर देती हूँ। नमक क्योंकि पहले आपको नमक कम ही डालना है, क्योंकि ऊपर से आप मसाले जैसे कुरकुरे के ऊपर मसाला डालोगे तो उसके अंदर अंदर भी नमक होगा, तो इसलिए नमक उस हिसाब से आपको डालना है। तो 2 कप मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। तो ये जैसे गैस के ऊपर अभी नहीं रखा है, क्योंकि पहले नीचे इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इसके अंदर कोई लम्स वगैरह नहीं पड़ेगी। अब इसको रख दिया गैस के ऊपर, और गैस के ऊपर रख के आपको लो या मीडियम फ्लेम पे या आपको इसको पकाना है। तेज आंच पे पकाने से क्या होता है, या तो नीचे से जैसे चिपक जाता है या इसमें कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ पड़ जाती है, तो फिर इतना अच्छा नहीं बनता है। तो लो या मीडियम फ्लेम पे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 3-4 मिनट इसमें लगेगी, और 3-4 मिनटों में ये अच्छे से गाढ़ा एकदम डो बन के तैयारी हो जाएगा। तो इसमें चलाते रहना है, आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, बराबर इसके अंदर चलाते रहिए। अब इसके अंदर डाल दिया जैसे खाना खाते हैं उसी चम्मच से, और 2 छोटी चम्मच इसके अंदर तेल डाल दिया। तो 2 छोटी चम्मच इसके अंदर तेल डाल दीजिए और तेल डाल के फिर से अच्छे से इसको मिक्स कर देते। तो इसको तब तक पकाना कि अच्छे से ये एकदम बाइंडिंग हो जाए। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो जाए, और गाढ़ा होने के बाद में आपको पलटे से ऐसे अच्छी तरह से आपको 2 मिनट चलाना है, और 2 मिनट अच्छी तरह से चला के इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे, और फिर इसके ऊपर लगा देनी है प्लेट। तो प्लेट लगा के 2-3 मिनट आपको गैस की फ्लेम को एकदम सिम कर देना है, और फिर आप 2-3 मिनट इसको पकने दीजिए। तो प्लेट लगा के 2-3 मिनट इसको पका लेती हूँ। तो ये कुरकुरा बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए, इसके ऊपर मैंने प्लेट लगा दिए और 2-3 मिनट बाद में इसको चेक कर लेते हैं। तो आपको गैस की फ्लेम को एकदम सिम करना है, आप तेज आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है। तो ये देखिए, और फिर अच्छे से आपको पलटे की सहायता से फिर से इसको 2 मिनट अच्छे से इसको ऐसे मसलना है। तो इनसे इसमें एक ही है कारण कि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इसको निकाल लेते हैं कोई भी एक प्लेट के अंदर। तो अब इसके अंदर डाल देती हूँ 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर। तो ये देखिए 2 टीस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिए, और कॉर्नफ्लावर डाल के और फिर से थोड़ा सा चिकना हाथ करके और इसको अच्छे से, तो ये देखिए 1/2 टीस्पून इसके अंदर डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर, और जैसे 2 चुटकी बेकिंग पाउडर से कम डालना है आपको बेकिंग सोडा। और अब 1 चम्मच हाथों में तेल लेके और इसको अच्छे से 3-4 मिनट आपको मसल लेना है। तो इसमें कोई भी बिल्कुल भी गुठली वगैरह कुछ नहीं रहेगा, और एकदम चिकना डो बनके ये तैयारी हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से आपको मसलना है, जैसे बिल्कुल ही ये चिपकने से बंद हो जाएगा, हाथों के बिल्कुल नहीं चिपकेगा और एकदम चिकना बन जाएगा, तब तक आपको मसलना है। अब आप थोड़े थोड़े आटा लेके, जैसे थोड़ी थोड़ी लोई लेके और पतले पतले जैसे मार्केट में कुरकुरे आते हैं वैसे आपको बनाना है। तो बहुत मोटा नहीं बनाना है आपको, एकदम पतला कुरकुरा बनाना है, क्योंकि जैसे ही ये पकेगा ये और फूल जाएगा। तो आप मोटा बनाओगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा, अंदर से ही कच्चा रह जाएगा और फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे आप पतले बनाओगे उतने ही कुरकुरे बनेंगे और उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए ऐसे मैंने जैसे मार्केट में आते हैं कुरकुरे उस हिसाब से कुरकुरे बना के और सभी इसी तरीके से बना के और तैयारी कर लेती हूँ।
तो ये देखिए आपको मोटे बिल्कुल नहीं बनाने, और ये देखिए जैसे मार्केट में आते हैं उसी तरीके से बनाइए, दोनों साइड से पतले और बीच में से हल्के से मोटे। तो चलिए गैस पे कढ़ाई रखती, मैंने पहले से तेल गरम रख दिया, और तेल अच्छा गरम है, तेल अच्छा गरम है तभी आपको डालना है, और गैस के फ्लेम को मीडियम कर देना है। तो मीडियम फ्लेम पे आपको कुरकुरा पका की तैयारी करना है। जैसे आप तेज आंच पे पकाओगे तो अंदर से कुरकुरे कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कुरकुरे जल जाएंगे, तो ये कुरकुरे क्रिस्पी बन की तैयारी नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं बनेगा जैसे मार्केट में आता है वैसा नहीं बनेगा। और फिर ये बन जाएगा तो एक बार जैसे कुरकुरा बनेगा ये जैसे घंटे दो घंटे आप दो चार दिन रखोगे तब ये मुलायम हो जाएगा, तो वैसे आपको नहीं बनाना है। आपको गैस की फ्लेम को लो या मीडियम ही रखना है। मीडियम फ्लेम पे आपको इसको जैसे लगभग 5-7 मिनट लगती है, पर 5-7 मिनटों में ये पक्की तैयारी हो जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका एकदम सुनहरे कलर आ जाएगा। तो वीडियो में चलिए लास्ट तक बने रहिए, वीडियो देखिए लास्ट तक तभी आपको पता चलेगा कि ये कुरकुरा कैसा बना है। और ये देखिए इसी तरीके से मैं सारे कुरकुरे पका के तैयारी कर लेती हूँ, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो चलिए कुरकुरा बना के तैयारी कर लिए, अब इसके लिए ले लेते हैं मसाला। तो मसाले के लिए ये देखिए एक बाउल ले लिया, इसके अंदर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आप खाते हो उस हिसाब से आप मसाला डालिए। आधी चम्मच इसके अंदर डाला है नमक, तो नमक आप दोनों डाल सकते हैं, जैसे काला नमक, सिंधा नमक और सादा नमक, और 1 छोटी चम्मच डाला है चाट मसाला। तो ये सारे मसाला डाल के, और आप जैसे आपको और पसंद है तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं इसके अंदर, या आप कोई और जैसे टमाटर आप पिसा हुआ है या पुदीना पिसा हुआ है वो भी मसाला आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये मसाला डाल के ऊपर इसके कुरकुरा डाल के और अच्छे से प्लेट लगा के आपको ऐसे मिक्स कर लेना है। तो ये कुरकुरा देखिए बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत कम समय में आप बना के तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर देखिए बहुत ही प्यारा इसका कलर आया है, और मसाला जैसे आपको पसंद है उस हिसाब से आप घर पे कुरकुरा बनाते हो तो उस हिसाब से आप मसाला डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ कैसा बना है। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना है, और अंदर तक ये देखिए कुरकुरा एकदम सॉफ्ट कुरकुरा बना है, जैसे मार्केट में कुरकुरा आता है वैसे ही बन के तैयारी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब।